हाय एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि सचान और मैं हूँ इस चैनल की होस्ट। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं लगते साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती हैं। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ। यूपी स्टाइल दही वड़े बनाने की जो रेसिपी है उसके लिए हमें चाहिए होगी, ये उड़द की दाल है और ये चने की दाल है। ये उड़द की दाल भिगोई हुई है और मात्रा से क्वांटिटी से 2 कप है और ये आधा कप है, यानी कि 1/4 लेना है। ये चने की दाल है, आप चाहे तो सिर्फ उड़द दाल की भी बना सकते हैं। रात भर भिगोया इस दाल को, छिलके वाली दाल थी इसलिए मैंने धुल लिया है, लेकिन 1-2 छिलके रह गए हैं इसमें। आप इसकी जगह धुली उड़द दाल भी ले सकते हैं। अब हम मिक्सी का इस्तेमाल करके या फिर सिलबट्टे का इस्तेमाल करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे, लेकिन एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाइएगा तभी दही बड़े अच्छे बनेंगे। और उसके पहले जो कुछ काम है वो हम करके रखते हैं, वो हमारा दही का काम है। तो एक बड़ा बर्तन लीजिए और बढ़िया सा गाढ़ा दही, घर का जमाया हुआ हो मेरी तरह तो और भी अच्छा है, मार्केट का है तो भी अच्छा है। सबसे पहले हम दही ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, सबसे पहले बढ़िया चटपटे बनाएंगे क्योंकि हमारी जो दाल है उसमें तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये रहा हमारा लाल मिर्ची का पाउडर। अब हम डालेंगे नमक, आप काला नमक भी डाल सकते हैं। अब इसको मथनी की सहायता से या फिर जूसर वाले जो जार होता है, मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है उसमें डालकर, या फिर इस तरह विस्कर से या चम्मच से, जिससे भी आप करते हों घर पे, इस तरह से इसको मथ लीजिए अच्छी तरह से नमक और मिर्ची मिक्स करके। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए 200 ग्राम पानी। यूपी स्टाइल जो दही बड़े होते हैं उनका जो ये मट्ठा बनाया जाता है, बेसिकली वो दही में नहीं बनते हैं, मट्ठा में बनते हैं, यानी कि छाछ में बनते हैं। तो अभी तो ये बहुत गाढ़ा है और पानी डालूंगी इसमें उतना ही, 200 ग्राम के लगभग। तो ये हमारा बढ़िया छाछ बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। गैस ऑन कर ली है मैंने और ये तड़का पैन में तेल ले लिया है, सरसों का थोड़ा सा ही तेल लेना है। अगर आप इतनी क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं तो तेल और भी कम लीजिएगा, आधा चम्मच ही लीजिएगा। और तेल को जब तक इसे धुआं नहीं छूटेगा, यानी कि धुआं नहीं निकलने लगेगा, तेल अच्छी तरह से पक जाना चाहिए तभी हम इसका तड़का लगाएंगे। तो अब देखिए इसे धुआं निकल रहा है, गैस को ऑफ कर लेंगे और जीरा डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। और मैं तो कहूँगी जीरा हल्का सा ब्लैक हो जाए तभी डालिएगा आप। ये देखिए एकदम डार्क ब्राउन हो रहा है जीरा। यहाँ मैंने हींग ली हुई है, अच्छी खासी क्वांटिटी में हम हींग डालेंगे। और गैस को मैंने ऑफ कर दिया था क्योंकि जीरा जलने लगता है। अब मैं गैस को ऑन करूँगी लेकिन धीमा रखूँगी, जीरा को थोड़ा और पकाऊँगी। और अब ये भी धुआं छोड़ने लगा है तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम तुरंत पोर करेंगे और ढक देंगे और जल्दी से इसको हटा लेंगे इस तरह से मिक्स करके और इसे ढक देंगे। दाल को पीस लिया है कुछ इस तरह से, कोशिश करिएगा कि दाल और टाइट ही पीसें आप, सिलबट्टे में पीसेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे और आपकी जो दही बड़े हैं उन्हें बनाने में दिक्कत भी कम होगी। दाल पिस गई है, ये चने की है, ये उड़द वाली है और देखिए काफ़ी गाढ़ा है। अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, ना ही नमक डालूँगी। तो अगर आप नमक डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा और बहने लगेगा। तो इसे ऐसे ही सिंपली फेंटिए अच्छी तरह से ताकि इसमें थोड़ा एयर भर जाए। दाल फेंट कर मैंने रेडी कर ली है
और इस तरह का एक कपड़ा ले लीजिए मार्किन का, अगर ये ना हो तो रुमाल ले लीजिए जो कॉटन की वाइट रुमाल होती है घर पे अगर कोई इस्तेमाल करता होगा, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा पतला कपड़ा ले लीजिए। इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ में ऐसे लगा लेंगे तो लपेट लेंगे, तो इससे जो बनाने में बहुत हेल्प रहेगी और हमें इसे उठाने में हेल्प रहेगी, जो भी हम बड़ा बनाएंगे अपना उसको बना के और इससे हम निकाल लेंगे, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज आप चाहें तो सिंपल उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई चला ली है, अब हम इसमें डीप फ्राइंग के लिए ऑयल डालेंगे। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे जिससे कि एक बार में हम ज़्यादा बना पाएँ। अब बस बनाना शुरू करते हैं। एक ग्लास में ठंडा पानी रख लिया है और हाथों को हम गीला करेंगे थोड़ा सा, और इसे अपने हाथ में रख लेंगे इस तरह से, ये फ्लैट वाले पार्ट पे रखेंगे ऐसे। एक बन जाएगा तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब हम हाथों को गीला करते हुए थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसे गोल करते हुए थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से फ्लैट करेंगे। यूपी में इसी तरह से बनते हैं, मेरे घर में तो इसी तरह से मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इसलिए मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये वाले जो बड़े होते हैं ये फूलते हैं एकदम कचौरी की तरह, फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए मैंने एक बना के रेडी किया है। तेल चेक करते हैं, थोड़ी सी दाल डालेंगे इसमें, तेल अभी हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे इसको इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया, और इसमें डाल देंगे। तो जब तक वो हो रहा है मीडियम फ्लेम पे, तब तक हम दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। थोड़ी देर तक इसे छेड़िएगा बिल्कुल मत, जब तक ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, और इन्हें आप छोटा बड़ा कैसा भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और ये देखिए मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि कितना आसानी से निकल आता है। इसे हल्का हल्का सा ऐसे दबाते हुए पकाएंगे। कलर थोड़ा थोड़ा डार्क होने लगा है तो अच्छी तरह से पकाएंगे जिससे दाल कच्ची ना रहे। ये दोनों हो गए हैं तो इसे हम निकाल लेंगे, और अच्छी से तेल को निचोड़ते हुए निकालना है। और अब हम इन्हें डायरेक्टली ही दही में डाल देंगे और ढक देंगे। इसी तरह से आपको सारे दही बड़े बना लेने हैं।